नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया को लेकर के आपराधिक मानहानि का दावा किया है और इस पर मुकदमा भी दर्ज किया है। आपको बता दें कि ये केस जो है सीजीएम कोर्ट में दर्ज किया गया है और 30 जून को ये केस असम के सीएम के द्वारा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए थे हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी और उनके बेटों पर, और कहा था कि पीपी किट का जो घोटाला हुआ था उसमें उनकी पत्नी और उनके बेटे दोषी हैं, क्योंकि उनकी कंपनी को फर्जी तरीके से ये जो पीपी किट है वो दिया गया था और इसको लेकर के ये घोटाला किया गया था। जिसके बाद जहां पहले देखा गया कि हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने ये मानहानि का केस पहले भी मनीष सिसोदिया पर दर्ज करवाया, तो वहीं कल एक बार फिर से हेमंत बिस्व शर्मा ने मनीष सिसोदिया के ऊपर 100 करोड़ का जो मानहानि का केस है वो दायर कराया है। देखना होगा कि किस तरीके से ये जो सामने जो बातें आ रही हैं उससे ये कहा जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया पर ये जो मानहानि का केस दर्ज कराया गया है तो इससे काफ़ी नुकसान मनीष सिसोदिया को पहुंच सकता है अगर ये बातें सामने आती हैं और ये सच्चाई सामने आती है। आपको बता दें, हालांकि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी लगातार कई तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती हुई नजर आती है, जहाँ हाल ही में सत्येंद्र जैन जो हैं अभी भी लगातार ईडी की हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद कई मामले उनके ऊपर खुल करके सामने आ रहे हैं, साथ ही उनके साथ जो लोग लिप्त थे भ्रष्टाचार के आरोप में अब धीरे धीरे उन पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। और आज ही 2 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है, सत्येंद्र जैन के साथ उनकी जो गुनाह में वो भी लिप्त पाए गए थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी बार बार ये कहते हुए नजर आए थे कि सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है, ये झूठा है, ये पूरी तरीके से साजिश के तहत किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ईडी के पास तमाम साक्ष्य और दस्तावेज हैं उससे ये साबित होता है कि जो ईडी ने केस दर्ज किया है भ्रष्टाचार के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को हिरासत में लिया गया है, तो उनके पास सबूत है, दस्तावेज है जो ये साबित करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले को। और ये जो चीज़ें हैं वो कोर्ट में हैं और इसी की वजह से सत्येंद्र जैन फिलहाल जेल में है। खुद के आप पार्टी के कई विधायक और कई मंत्री का नाम बार बार भ्रष्टाचार के मामलों में आता है, हिंसा के मामलों में आता है। इसके बावजूद मनीष सिसोदिया जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी और पार्टी के नेताओं को, किसी और स्टेट के सीएम पर आरोप लगाते हैं, साथ ही उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों पर भी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि वो घोटाला कर रहे हैं, जिसकी वजह से हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी ने पहले ही मनीष सिसोदिया के ऊपर मानहानि का केस दर्ज करवाया था। और एक बार फिर हेमंत बिस्व शर्मा ने खुद 30 जून को ये केस मनीष सिसोदिया के ऊपर दर्ज करवाया है। 100 करोड़ की मानहानि का ये केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया है। मानहानि का ये केस सीजीएम कोर्ट कामरूम ग्रामीण जिला में 30 जून को दायर किया गया है। दरअसल मनीष सिसोदिया द्वारा 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सीएम शर्मा की पत्नी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और इसे सीएम शर्मा से भी जोड़ा गया था। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि असम के सीएम की पत्नी के स्वामित्व वाली जेसीबी कंपनियों ने कोविड के दौरान पीपी किट की निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया था और 30 जून को मामला दर्ज किया गया। बता दें कि अदालत ने डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा प्रारंभिक बयान के रूप में 22 जुलाई को तारीख तय की है। मानहानि साबित होने पर सिसोदिया को 2 साल तक की सजा भुगतनी हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने पीपी किट खरीद मामले में घपले का आरोप लगाने वाले आप नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ
100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आपको बता दें कि रिंकी शर्मा के वकील पी नायक ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों के तहत पीपीई किट दान के रूप में जमा की थी। आपको बता दें वहीं पिछले महीने की शुरुआत में असम के मुख्यमंत्री और सिसोदिया के बीच वाक युद्ध छिड़ गया था, जिसमें सिसोदिया द्वारा कोविड पीपी किट की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद मानहानि का मुकदमा दायर करने की धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि सिसोदिया ने यह दावा किया है कि पीपी किट के ठेके शर्मा की पत्नी से जुड़ी एक कंपनी को दिए गए। इसी के साथ ही सिसोदिया ने कहा कि असम सरकार के अन्य कंपनियों से 600 रुपए के लिए पीपी किट की खरीद की गई। साथ ही शर्मा ने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक भागीदारों की फॉर्मों को 990 रुपए प्रति पीस के लिए तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए थे। आपको बता दें कि ये तमाम बातें मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जिसके बाद जहां हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी ने 100 करोड़ की मानहानि का केस जो है वो दायर किया, तो उसके बाद अब असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने भी ये केस मनीष सिसोदिया के ऊपर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि यदि ये मानहानि का दावा सच होता है और सिसोदिया द्वारा लगाए गए जो आरोप है उनकी पत्नी और उनके बेटे और हेमंत बिश्व शर्मा को लेकर के अगर ये आरोप गलत साबित होते हैं और हेमंत बिश्व शर्मा जो है निर्दोष साबित होते हैं, तो मनीष सिसोदिया को 2 साल की कारावास भी हो सकती है। इसी के साथ ही 22 जुलाई की तारीख कोर्ट के द्वारा दी गई है इस सुनवाई मामले को लेकर के। इसी तरीके से जहां देखा जा रहा है कि तमाम जो दिल्ली में चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से बार बार दिल्ली मॉडल का जिक्र आता है, एजुकेशन मॉडल का जिक्र आता है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम का जिक्र आता है, तो इस पर तमाम तरीके की भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी की जो बातें हैं वो भी सामने आती रही हैं कि किस तरीके से खेल का नाम लेकर के स्टेडियम बनवाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में वो स्टेडियम होते हैं, कागजात में वो स्टेडियम होते हैं, लेकिन जब लोग जो हैं वो जाते हैं उसकी सच्चाई पता करने के लिए, तो वहाँ पर दूर दूर तक खाली ज़मीन ही दिखाई देता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं खेल स्टेडियम का जो कि बन करके तैयार हो गया है, लेकिन इसको अगर ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो इसकी सच्चाई भी पिछले दिनों देखने को मिली थी कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने इस सच्चाई से पर्दा उठाया था कि जहां अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनका खेल स्टेडियम बन चुका है तो वो अभी तक नहीं बना हुआ है, वो उसी तरीके से खाली ज़मीन पड़ी हुई है। इसी के साथ ही वो मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली की सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना दिया है कि जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं वो वहाँ से नाम कटवा करके उनके सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। जब इसकी भी पड़ताल की गई तो उसकी हकीकत ही कुछ और रही, और जहाँ देखने को मिलता है कि आपके जो मंत्री हैं और खुद अरविंद केजरीवाल जो हैं उनके बच्चे खुद और उनके बच्चे और उनके रिलेटिव जो हैं वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते जो बनवाए गए हैं आप सरकार के द्वारा, बल्कि वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। इसी के साथ ही अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए भी वो मोहल्ला क्लिनिक में ना जा करके प्राइवेट अस्पतालों में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस तरीके से आंकड़े सामने आते हैं, जिस तरीके से सर्वे में ये बात कही जाती है। आपको बता दें इसी के साथ ही जहां लगातार जो नए एलजी नियुक्त किए गए हैं दिल्ली में, विनय कुमार सक्सेना वो लगातार इस मामले में जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है और जो इसमें लिप्त है उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी के द्वारा देखा गया कि पिछले दिनों 5 लोगों को बर्खास्त किया गया है, जिसमें से 2 DM हैं और एक वो जो कि अरविंद केजरीवाल के कार्यालय में काम करता था, यानी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार की सरकार कहते हैं, तो उनके ऑफिस में ही ये भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और ये भ्रष्टाचार उन्हीं के ऑफिस में पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि उनके ऑफिस में तैनात डेप्यूटी सेक्रेटरी को भी बर्खास्त किया गया है एलजी के द्वारा, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए गए थे। इसी के साथ ही 2 DM को भी सस्पेंड किया गया एलजी के द्वारा
और उनके दो दिन बाद दो और लोगों को एलजी ने बर्खास्त किया है। यानी कि जिस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको लेकर के एलजी पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रहे हैं और सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं। जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी में घोटाले की बात सामने आई थी उस पर भी एलजी जो है सख्त दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने जाँच एजेंसियों को जाँच करने के लिए पूरी आदेश दिया हुआ है, पूरा छूट दिया हुआ है। इसी के साथ ही अब वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और उनके मंत्रियों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की फाइल्स धीरे धीरे खुलती हुई नजर आएंगी। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।